एवरीबडी वेलकम टू क्रूजिंग आर्चीव। मैंने भी वो चीज़ ले ली जिसका मुझे बहुत सब्रों से इंतज़ार था यार, फाइनली मिल गई गोप्रो हीरो 8। अनबॉक्स करूँगा और आज फाइनली द्विवेदी जी के लड़के ने भी ले लिया। सारा सामान लगा रखा है, मार्केट लगा रखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ले रखी है, थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर दिया है। बताता हूँ क्या क्या लिया है आपको। सारे सेट पर लगा रखा है मैंने यहाँ पे। मैं प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ, पहले बता दूँ, मैं व्लॉगर हूँ, उसी के लिए मैंने लिया। अगर आप ब्लॉगर हैं और आपको व्लॉगिंग करनी है तो शायद गोप्रो मस्ट है, चाहिए ही चाहिए आपको। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं यहाँ पे। खोलने के बाद मुझे ये सब चीज़ें मिल चुकी हैं। बहुत सारा खर्चा हो रखा है, पहले बता दूँ मैं आपको। मैं सबको खोलता हूँ धीरे धीरे धीरे। मैं पहली बार देख रहा हूँ गोप्रो को, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना छोटा सा, इतना प्यारा सा सपना था मेरा यार, एक बार गोप्रो लूँगा। और मेरे हिसाब से अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको गोप्रो लेना ही लेना है। गोप्रो के बिना एक व्लॉगर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, चाहे वो गोप्रो 7 हो चाहे 8 हो। अभी जो मैंने लिया है वो गोप्रो 8 लिया हुआ है। तो गोप्रो की बात बात हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले करते हैं हम लोग एसेसरीज की बात। मैंने क्या क्या एसेसरीज लिए, तो सबसे पहले एसेसरीज जो है मेरे सामने है, ये मैंने लिया है कुछ बकल्स लिए हुए हैं सर पे लगाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाएंगे। कुछ माउंट्स लिए हुए हैं ऐसे करके, ये सब कुछ थोड़ा सा है ताम झाम, इसको रखते हैं साइड में। या इसमें तो ऑब्वियस बात, मेमोरी कार्ड होने वाला है। ये रहा मेरा एसडी कार्ड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बताता हूँ मैं ये क्या है। ये मीडिया मॉड है, शायद कुछ लोगों को पता होगा कुछ नहीं पता होगा। गोप्रो अलग से एक मीडिया मॉड देता है अपने दिखाने के लिए, कि जैसे आप ये देख सकते हो, इससे साउंड की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। पता नहीं मैं साउंड की क्वालिटी इम्प्रूव होगी नहीं होगी, मुझे एक्सटर्नल माइक लगाना था तो इसीलिए ये काम करता है, एक्सटर्नल माइक लगाने में मदद करता है। इस बड़े वाले डिब्बे में क्या है, इस बड़े वाले डिब्बे में क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, वाह, उतने बड़े डिब्बे में सिर्फ एक ये चीज़ निकली है। और ये मुझे पता है, ये स्टिक है, स्टिक मैं लेके जो घूमूंगा उसको, ये ब्लॉगिंग स्टिक होगी मेरी जिसको मैं यूज़ करूंगा आपसे। दिस इज माय ब्लॉगिंग स्टिक। अब मैं करता हूँ मीडिया मोड को ओपन, गोप्रो सबसे लास्ट में करूँगा। सो दिस इज मीडिया मोड, कुछ इंस्ट्रक्शन को रखता हूँ साइड में और निकालता हूँ अपना मीडिया मोड। ये है मेरा मीडिया मोड जो कि गोप्रो के अंदर फिट हो जाएगा। मीडिया मोड बहुत महंगा पड़ा है, ये पड़ा है करीब 6,900 रुपये का, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 रुपीज़ इसके लिए पे करें, इस मीडिया मोड के लिए, क्योंकि मैं ऑडियो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ यार। फाइनली हमारी बारी आती है गोप्रो हीरो 8 की। देखता हूँ उसको खोल के, कहाँ से खुलेगा। ओके, तो यहाँ से खुलेगा। वाओ, फाइनली गोप्रो हीरो 8 मैं खोलने जा रहा हूँ। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ किसी गोप्रो को, बट बहुत अच्छा लगता है मुझे गोप्रो, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गोप्रो का। ये जो है ये बहुत हार्ड है, केस जो है ये ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा प्लास्टिक है, बहुत हार्ड है, भारी है लग रहा है। सो दिस इज माय गोप्रो। एक क्लोजअप से मैं गोप्रो आपको बताता हूँ, ये गोप्रो कुछ इस तरीके से हमारा हीरो हिट दिख रहा है। इसके अंदर मैंने ऑन कर दिया है इसको, अगर आप ऑन करेंगे सो कुछ इस तरीके से हमारा गोप्रो दिखता है। कुछ चेंजेस हैं गोप्रो के अंदर हीरो 7 से अगर हम कंपेयर करें तो। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये हीरो 7 में आपको नहीं मिलेगा। मुझे केस में डालने की ज़रूरत नहीं है इस कैमरे को। क्लोज़अप में मैंने ये लिया है गोप्रो, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा दिख रहा है हमारा कैमरा। सो मैं इसकी आपको अलग अलग, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो फ़ोटोज़ के अलग अलग फ़ीचर्स हैं। इसकी वीडियो सैम्पल्स मैं अब दिखाता हूँ आपको, आगे जो भी वीडियोस होंगी वो गोप्रो की होंगी। सो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए, गोप्रो का टेस्ट करने के लिए। पहली बार मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट तामझाम लगा लिया सर के ऊपर कुछ इस तरीके से। और ये बताना कि हाउ इज़ द वीडियो एंड ऑल्सो ऑडियो, बिकॉज मैंने एक्सटर्नल माइक लगा रखा है और एक्सटर्नल माइक बहुत पास में है तो इसीलिए शायद ऑडियो अच्छी आ रही होगी।
और ये जो रेजोल्यूशन है ये रेजोल्यूशन 4K 30 FPS का है, और मैंने सुपर वाइड कर रखा है। इसके अंदर एक सुपर वाइड का ऑप्शन आता है तो बहुत ज़्यादा आपको वाइड दिख रहा होगा। पता नहीं पहली बार कर रहा हूँ कौन कैसा एंगल आ रखा होगा कैसी, बिकॉज एक बार आइडिया लग जाएगा ना उसके बाद आगे से करते रहेंगे मेरा आराम से आराम से। तो ये इलाका जो आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा हरा भरा जो है ये द्वारका का इलाका है। बस अपनी स्कूटी निकाल ली है और जो टाइम हो रहा है अभी अभी शायद 6 बज रहे हैं, यहाँ 6 बज रहे हैं सुबह के, सब लोग जॉगिंग कर रहे हैं। वैसे मैं उठता नहीं हूँ 6 बजे, समझना मत कि मैं 6 बजे उठता हूँ, बट आज उठाऊँ बस अपने वीडियो बनानी थी तो सोचा कि शाम को दोपहर को कौन सा टाइम सही रहेगा, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि सबसे बढ़िया टाइम रहेगा सुबह का। उठा तो 5:30 बजे तक का था, बट ये ताम झाम लगाने में ही 1 घंटा लग गया कि सब कुछ सेट वेट करने में। तो फाइनली गोप्रो मेरा आ चुका है और गोप्रो से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत खुश लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। रेड लाइट मेरे लिए जल्दी ग्रीन हो गई। मैं ये बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की वीडियोस, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की वीडियोस मैं चाहूँगा कि आए हमारे चैनल पे, जिससे ज़्यादा एक्सपोजर मिले हमारे चैनल को, ताकि आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो चैनल पे हो। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हूँ। एक और वीडियो एक आने वाली है गोप्रो की, मैं नाइट का टेस्ट करूँगा, वहीं पर विज़िट करूँगा फिर बनाऊँगा उसकी वीडियो। कैसी आ रही है आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि गोप्रो का ये 4K चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही है ये गोप्रो का हाईएस्ट रेजोल्यूशन है और शायद इतनी अच्छी जगह भी है जिससे वीडियो अच्छी आ सकती है। जगह भी बहुत सुंदर है यहाँ वाली, जिससे वीडियो भी सही आ रही होगी। अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो ये पार्क है DDA का। अगर आपको चाहिए गोप्रो की और भी वीडियोस तो बताना ज़रूर मुझे कमेंट्स करके। ये भी बताना कि ये वाली वीडियो कैसी लगी आपको। तो ये वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। आई विश ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी लोगों को, एंड मेरी नई वीडियो आने वाली है, जस्ट आने वाली है, प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग चलते चलते, तब तक के लिए बाय। राइट में आप द्वारका सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन देख पा रहे होंगे और लेफ्ट में द्वारका सेक्टर 12 का ही फूड कोर्ट है यहाँ पे। तो ये द्वारका सेक्टर 12 का फूड कोर्ट है, एंट्री यहाँ से है। अच्छा बना रखा है फूड कोर्ट यहाँ पे, अगर आपको छोटा मोटा लंच वंच करने के लिए आना है तो आ सकते हो।